टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो होने वाली है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 3 पर। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा, सेकंड पार्ट में हमने जो तीन ऐसी चीज़ें देखी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंकलाब लेकर आए। तो अब हम देखेंगे इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेज, कुछ ऐसी डिवाइसेज जिनको हम यूज़ करते हैं स्टोरेज पर्पसेस के लिए। स्टोरेज डिवाइसेस को कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेज मुख्तलिफ सूरों पर काम करती हैं जिनकी बुनियाद इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म और लेजर टेक्नोलॉजी पर है। ये तीन हमारे पास बेसिकली प्रिंसिपल हैं जिन पर बेस करती हैं हमारी ये डिवाइसेस। ठीक है, तो अब हम इन डिवाइसेस को वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास सबसे पहला जो आ जाती है वो है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हो गया, ऑडियो और वीडियो कैसेट्स हो गई, उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क हो गई, उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क हो गई। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो पहले नंबर पे है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की बुनियाद इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये इनकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर मुश्तमिल होती है। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, रोम, रैंडम ओनली मेमोरी जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करती है, और रैंडम एसेस मेमोरी जो कि आरजी तौर पर कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो रैंडम एसेस मेमोरी खत्म हो जाती है, यानी कि रैम खत्म हो जाती है। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। आमतौर पर स्टोरेज डिवाइसेस को कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी कंप्यूटर में मुस्तकिल तौर पर डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्राइमरी जो थी उसमें से रोम और रैम थी। रैम जो होती है कंप्यूटर जब ऑफ होता है तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं वो हमारे पास मुस्तकिल तौर पर परमानेंट तौर पर कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। उसके बाद आ जाती हैं ऑडियो और वीडियो कैसेट्स। ये हमारे पास एक ओल्ड हमारे पास डिवाइसेस थी जो कि स्टोरेज डिवाइसेस जिनको आप कह सकते हैं। इन डिवाइसेस की बुनियाद मैग्नेटिज्म पर है। ऑडियो कैसेट्स मैग्नेटिज्म मटेरियल की बनी हुई टेप पर मुश्तमिल होती हैं जिन पर साउंड की मैग्नेटिक फील्ड की एक खास शक्ल में महफूज कर लिया जाता है। इस मकसद के लिए माइक्रोफोन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में तब्दील करता है जिन्हें एम्पलीफाई की मदद से कई गुना ताकतवर बनाया जाता है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए रील्स बना देती हैं जिन पर साउंड्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है और जो कि हमें दोबारा साउंड जो होते हैं उन सिग्नल्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क के मुख्तलिफ अशकाल जिनमें किसी मैग्नेटिक मटेरियल की तह चढ़ाई जाती है, डिस्क का रेड या रीड या राइट हेड टेप रिकॉर्डर के रिकॉर्ड रिप्ले हेड जैसा होता है। ये डिस्क के कुछ हिस्से की सतह पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके उसको मैग्नेटाइज कर देता है। मैग्नेटिक डिस्क का ऑडियो वीडियो कैसेट से बुनियादी फर्क ये है कि ये एक डिजिटल मीडियम है जिस पर पढ़ने के लिए बाइनरी डिजिट्स लिखे होते हैं। तो ये इसका मेन प्रिंसिपल और वर्किंग है जिसके इसके काफ़ी सारे जो हिस्से होते हैं जिनको टेप रिकॉर्डर वगैरह से हो गए ये सारा कुछ, और मैग्नेटिज्म पर ये हमारे पास वर्क करता है जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल की एक तय चढ़ी होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हार्ड डिस्क। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मेमोरी का कंप्यूटर सार्फिन का हार्ड डिस्क पर इंसार प्राइमरी डिवाइसेस के तौर पर होता है। ये प्राइमरी डिवाइस है। हार्ड डिस्क एक सख्त गियर और मैग्नेटिक तौर पर हसास डिस्क है जो कंप्यूटर के ढांचे के अंदर या कंप्यूटर के लिए एक अलहदा बॉक्स में मुसलसल और तेजी से घूमती है। हार्ड डिस्क की इस किस्म को किसी भी सार अलहदा नहीं कर सकता। ये आम हार्ड डिस्क के कई प्लेट्स पर मुश्तमिल होती है जिस पर रसाई एक मूवेबल आर्म से मुंसलिक रीड या राइट हेड के जरिए की जाती है। ये हमारे पास हार्ड डिस्क होती है। ये हमारे पास कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट है। बेसिकली आजकल के दौर में हम इसको एज इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे पास एक फ्लैश ड्राइव भी है जिसको आप देखते हैं कि एक हमारे पास डेटा स्टोर करने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट पर मुश्तमिल एक डिवाइस है। इसको भी हम यूज़ करते हैं अपनी फाइल्स को स्टोर और ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये थे हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेज। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।